26 नवंबर को हम लोगों ने हड़ताल का फैसला लिया है और 26 और 27 नवंबर को किसानों ने पार्लियामेंट कूच का फैसला लिया है हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी हड़ताल पूरे देश भर के अंदर और उधर से किसानों का आंदोलन जो मजदूरों के समर्थन में भी है अपनी मांगों के लिए है और हमारी जो मजदूरों की मांगें हैं उसमें किसान बिल वापस होने चाहिए उसमें उनकी मांग भी है तो वो हमारी मांग को का समर्थन कर रहे हैं हम उनकी मांगों का कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि 26 नवंबर बहुत ही शानदार हड़ताल होगी। तो जब सरकार हमें इस कोरोना की महामारी से इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित कर रही है तो फिर कोरोना या ना कोरोना उसकी परवाह किए बिना हम हड़ताल पे उतरेंगे एक्शन में जाएंगे और अपने को बचाने की कोशिश करेंगे ये हमारे लिए निहायत जरूरी है। इसी महामारी को वरदान की तरह इस्तेमाल कर रही है और मजदूरों के किसानों के सबके हकों को छीनने के लिए ज़बरदस्ती पार्लियामेंट में 3 कासीन किसान बिल पास कर दी और 3 लेबर कोड्स पास कर दी। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है हम इसका डट के विरोध करेंगे और आंदोलन जारी है ट्रेड यूनियंस का भी और किसानों का भी और उसी की रोशनी में 26 नवंबर को हम लोगों ने हड़ताल का फैसला लिया है और 26 और 27 नवंबर को किसानों ने पार्लियामेंट कूच का फैसला लिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी हड़ताल पूरे देश भर के अंदर और उधर से किसानों का आंदोलन जो मजदूरों के समर्थन में भी है अपनी मांगों के लिए है और हमारी जो मजदूरों की मांगें हैं उसमें किसान बिल वापस होने चाहिए उसमें उनकी मांग भी है तो वो हमारी मांग को का समर्थन कर रहे हैं हम उनकी मांगों का कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि 26 नवंबर बहुत ही शानदार हड़ताल होगी। तो जब सरकार हमें इस कोरोना की महामारी से इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित कर रही है तो फिर कोरोना या ना कोरोना उसकी परवाह किए बिना हम हड़ताल पे उतरेंगे एक्शन में जाएंगे और अपने को बचाने की कोशिश करेंगे ये हमारे लिए निहायत जरूरी। पूरे देश भर के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो उस दिन 26 नवंबर को एक्शन में उतरेंगे। बहुत से सरकारी क्षेत्र और पब्लिक सेक्टर हड़ताल पे भी जाएंगे बहुत सारे सॉलिडारिटी में रहेंगे। उसके अलावा हिंदुस्तान में शायद ही कोई इंडस्ट्रियल एरिया होगा जहाँ हड़ताल नहीं होगी तो कोई कोना नहीं छूटेगा हर कोना होगा और हर सेक्टर होगा जो इस हड़ताल में उस दिन शामिल होने वाला है। अगर दूर दराज से ट्रेनें नहीं भी चलेंगी तो दिल्ली और उसके आसपास के जगह से किसान आएंगे उमड़ घुमड़ करके वो पार्लियामेंट की तरफ बढ़ेंगे। अगर योगी की सरकार ने उनको नोएडा पे रोकने की कोशिश की जो उनका बॉर्डर है और अगर हरियाणा की खट्टर सरकार ने उनको 3 तरफ से बॉर्डर लगता है वहाँ रोकने की कोशिश की तो वो रोकेंगे भी तो फिर आंदोलन ही होगा ना। इसलिए हम ये समझते हैं कि NCR रीजन पूरा का पूरा उस दिन आंदोलित होगा ठप होगा। तो अगर बॉर्डर्स ठप होंगे तो फिर बॉर्डर के अंदर दिल्ली भी ठप होगी। हमें पूरी उम्मीद है इस बार 26 नवंबर को बहुत ही गजब नज़ारा रहेगा पूरे देश के अंदर हड़ताल का उसमें राजधानी भी सम्मिलित रहेगी। ज़िंदगी तो मोदी की सरकार ने वैसे ही अस्त व्यस्त कर रखी है लोगों की तो रोज़गार जा चुकी है बहुत सारे लोगों के घरों में चूल्हा जलने के लाले पड़े हुए हैं और बच्चों की पढ़ाइयाँ नहीं हो पा रही हैं बीमारों के इलाज नहीं हो पा रहे हैं। तो जब सारी ज़िंदगी मोदी सरकार ने अस्त व्यस्त कर ही दी है उस अस्त व्यस्त के अंदर उसको थोड़ा व्यवस्थित करने की लड़ाई श्रमिकों से मैं कहना चाहूँगी कि मोदी की सरकार जिस किस्म से श्रम कानूनों पे हमला की है या हमारे पब्लिक सेक्टर पे ले दे के शॉर्ट में कहा जा सकता है कि वो हमें 1947 से पहले अंग्रेजी राज का जो ज़माना था उस ज़माने में फेंकना चाहती अर्थतंत्र के मामले में भी हमें वहाँ फेंक रहे हैं और मजदूरों के किसानों के अधिकारों के सिलसिले में भी वहाँ फेंक रहे हैं। तो मेरा मजदूरों से मेरा किसानों से अपील है कि हमें वहाँ नहीं फेंकना है तो हमें पुरजोर मोदी की सरकार के इन निर्णयों का विरोध करना है। हम आज़ाद हिंदुस्तान हैं हम अपनी आज़ादी को महफूज भी रखेंगे अपनी संप्रभुता को भी बचाएंगे हम आगे को बढ़ना चाहते हैं हम पीछे को नहीं जाना चाहते हैं इसलिए इस जोश खरोश के साथ डट करके इस हड़ताल की तैयारी करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।